क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रनी, मैंने पास बता कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। बर्थडे पर फैंस को ये फिल्मी तोहफा क्यों दिया? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। इस बार अपने बर्थडे पर उन्होंने फैंस को सरप्राइज दिया अपनी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम का मोशन पोस्टर शेयर कर। इसमें प्रभास के साथ उनकी को स्टार पूजा हेगड़े भी दिखाई दे रही है। इस एनिमेटेड पोस्टर में ट्रेन की जर्नी से पूरी स्टोरी की झलक दिखाई गई है। इफेक्ट्स भी शानदार है। प्रभास ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राधे श्याम की रोमांटिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। 1 मिनट 16 सेकंड का टीजर देखकर तो यही लग रहा है कि फिल्म की कहानी ट्रेन जर्नी के इर्द गिर्द घूमती हुई होगी। फैंस को प्रभास का लुक और टीजर खूब पसंद आ रहा है। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। राधे श्याम की शूटिंग इस साल जनवरी में शुरू हो चुकी, मगर कोरोना ने प्लान चौपट कर दिया। खबर है कि इस फिल्म में प्रभास हस्तरेखा विशेषज्ञ की भूमिका में नजर आएंगे। पूजा हेगड़े म्यूजिक टीचर का रोल निभाएंगी। पहली बार दोनों सितारे एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। राधे श्याम मूवी में भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के टीजर को देख करके लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म सुपरहिट हुई थी, उसी प्रकार से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। लेकिन ये बात तो रिलीज के बाद ही सिद्ध होगी। वैसे प्रभास के पास इस समय काफी प्रोजेक्ट है। उनकी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष भी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि वे फिल्म में
राम की भूमिका निभाएंगे, जिसमें राम का किरदार प्रभास निभाएंगे। फिल्म में लंकेश की भूमिका में सैफ अली खान होंगे। और इसी फिल्म में अजय देवगन शिव की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये प्रभास की फिल्म क्या बाहुबली की तरह बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस करेगी। क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रण नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। प्यार न हो रहा है। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रण नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम की क्या है खास बातें? भारतीय इतिहास की वो कौन कौन सी प्रसिद्ध प्रेम कहानियां रही हैं जो अमर हो गई और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। प्रभास की राधे श्याम आने वाली है, जिसका हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मोशन पोस्टर है। प्यार की कहानियां दिख रही हैं, अलग अलग एरा की कहानियां दिख रही हैं जो दिल छूने वाली हैं। प्रभास की जो ये फिल्म है उसमें पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। पूजा हेगड़े का नाम इसमें प्रेरणा होने वाला है और प्रभास का नाम विक्रमादित्य। मतलब क्या होने वाली है फिल्म की कहानी, ये अभी से बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है सभी को। तो चलिए, इसी में हम आपको सुनाने वाले हैं उन प्रेम कहानियों को जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और हर कोई चाहता है कि कपल हो तो ऐसा। पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन चौहान की प्रेम कहानी भी बेहद निराली है। पृथ्वीराज को अपने दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो गया। जब ये खबर जयचंद को लगी तो उन्होंने इतने गुस्से में संयुक्ता का स्वयंवर रचा दिया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के दरबार के बाहर एक पुतला बनवाया। इस स्वयंवर में कई राजकुमार आए, लेकिन संयोगिता को भी पृथ्वीराज पसंद थे और उन्होंने पुतले को ही माला चढ़ा दी। उसी पुतले के पीछे पृथ्वीराज छुपे हुए थे। भरे दरबार से सबके सामने वो संयोगिता को लेकर भाग गए और विवाह कर लिया। इसके बाद नंबर आता है बाज बहादुर और रूपमती की कहानी। इनकी प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने शिकार के दौरान रूपमती को देखा और उनको दिल दे बैठे। एक सुल्तान ने एक मामूली सी लड़की को देखा और किसी की परवाह किए बगैर उनको बेगम बना दिया। घर वालों ने भी गैर मुस्लिम रूपमती को नहीं स्वीकारा, लेकिन बाज बहादुर ने किसी की परवाह किए बगैर उनसे
उससे मोहब्बत की और अपनी मोहब्बत को मंजिल तक भी ले गए। प्यार की दुनिया के परिंदों का तो इन्हीं का नाम लिया जाता है, और अब इस कहानी में राधे श्याम का नाम भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लव स्टोरी इतनी ख़तरनाक होने वाली है, महाकाव्यात्मक होने वाली है, और पूजा हेगड़े और प्रभास इसका चित्रण करने वाले हैं। आपको राधे श्याम में इन लव स्टोरी को देखने का कितना मन है, कितना वेट हो रहा है राधे श्याम का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे कहानियों के लिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया हूं, जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है। सालार के निर्देशक प्रशांत नील ने क्या बड़ा वादा किया? क्या वो कर पाएंगे इसको पूरा? क्या दीपिका पादुकोण ने प्रभास की फिल्म की तारीख ऋतिक रोशन को दे दी? आखिर ऐसा क्यों किया अभिनेत्री ने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। प्रभास अभी साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वजह से उनकी दावेदारी खतरे में है, क्योंकि अभी एक से एक हिट फिल्में रिलीज होने की तैयारी है। सोशल मीडिया पर भी अपने अपने पसंदीदा अभिनेता को बेस्ट बताने के लिए अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं उनके फैंस, लेकिन असली सुपरस्टार तो वही होगा जो भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दिल जीत पाएगा। प्रभास अपनी बाहुबली सीरीज से पहले ही लोगों का प्यार पा चुके हैं, लेकिन ऐसा होने से लोगों की उनसे उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, तो वहीं इस बार उनकी दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। यश ने भी अपनी फिल्म की KGF चैप्टर 1 से लोगों का दिलों में अच्छी खासी जगह बना ली है, और इस फिल्म के दूसरे भाग के टीजर ने भी इंटरनेट पर धमाल मचा रखा है। अब यश और प्रभास के बीच लोगों का पसंदीदा सुपरस्टार बनने की रेस लगी हुई है, लेकिन प्रभास भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं है। खबर है कि वो KGF के निर्देशक प्रशांत नील के साथ फिल्म सालार करने जा रहे हैं। इस फिल्म का मुहूर्त पूजा से शुरू होगा, और यह आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि निर्देशक इस फिल्म को जल्द ही खत्म करने प्लान बना रहे हैं, और इसके इसी कोलैबोरेशन की वजह से निर्देशक ने प्रभास को कुछ वादा किया है। आइए आपको बताते हैं क्या कहा है उन्होंने अभिनेता को। अभी फिलहाल प्रशांत नील और प्रभास हैदराबाद में हैं और स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं। बाद में कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए अपनी तारीख को भी एडजस्ट कर रहे हैं। ताज़ा खबर है कि प्रशांत नील ने प्रभास के हिस्से को लगभग 45 दिनों में पूरा करने का वादा किया है। प्रभास प्रशांत के प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हैं और उत्साहित हैं कि वे सालार के अपने हिस्से को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े सितारों की बड़ी डेट शेड्यूल होती है, कभी भी किसी बड़े स्टार को 45 दिनों में एक फिल्म पूरा करते नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभास इस उपलब्धि को सालार के साथ हासिल करेंगे। प्रशांत नील के निर्देशन वाली फिल्म फरवरी में फ्लोर पर आ जाएगी, और प्रभास के पहले शेड्यूल से ही इस फिल्म से जुड़ने की उम्मीद है। प्रभास के कई प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट दीपिका पादुकोण के साथ भी थी, जिसके टाइटल के बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं आई थी, ना ही इसकी कोई तारीख बताई गई थी। ये फिल्म कब से शूट होगी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दीपिका ने प्रभास के साथ अपनी फिल्म की तारीख ऋतिक रोशन की फिल्म को दे दी है। काफी समय से इन दोनों के नाम की चर्चा हो रही थी, आखिरकार अब उनकी फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है।
फिल्म का टाइटल फाइटर रखा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि दीपिका और प्रभास की फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन करने वाले थे, लेकिन अब इन साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है। फिल्म की अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो गई थी और बताया गया था कि साल 2021 से इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन किसी न किसी वजह से इस फिल्म में लगातार देरी हो रही है। प्रभास भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट के साथ व्यस्त है, उसमें उनकी प्रशांत नील द्वारा निर्देशित की फिल्म सालार और ओम रावत की फिल्म आदि पुरुष है, इस वजह से फिल्म की बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसी वजह से दीपिका पादुकोण ने अपनी इस फिल्म की तारीख को ऋतिक रोशन की फिल्म को दे दी और इस फिल्म की शूटिंग मई में होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म में देरी होने लगी तो दीपिका ने दूसरी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर की जून से शूटिंग शुरू होगी। ये दोनों पहली बार साथ काम करने वाले हैं और अब देखते हैं उनकी ये जोड़ी लोगों को कितनी पसंद आती है। आपको क्या लगता है, आप उस जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या नहीं, आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। प्रभास की राधे श्याम अभी से सुपरहिट क्यों मानी जा रही है? प्यार में पढ़ने के बाद लड़कियों की आदतें क्यों बदल जाती हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जब से घोषणा हुई है तब से ये चर्चा बनी है कि राधे श्याम भी बाहुबली की तरह सुपरहिट फिल्म होगी। राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वे दोनों प्यार की परिभाषा को नए सिरे से प्रभाषित करते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार जरूर हुआ होगा। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतों में कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ आदतें प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अक्सर शादी के बाद लड़का और लड़की की जिंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल तो कुछ लोग सूझबूझ वाले हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियां नई नई प्यार में पड़ी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या तो नींद की होती है। इस दौरान लड़कियां जल्दी बिस्तर पर चली जाती हैं पर जल्दी सोती नहीं, क्योंकि उनको जल्दी नींद नहीं आती है। वो अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती है। लड़कियां अपनी खूबसूरती पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लड़कियां अपना मोबाइल लॉक करके रखती और एक मिनट के लिए भी मोबाइल को अपने से अलग नहीं करती। वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा कर रखती हैं क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनका मोबाइल न चेक कर ले। जब वो किसी के प्यार में होती हैं तो वो अपने दोस्तों से दूरियां बना ले। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि उसके दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। जब लड़की प्यार में नई नई पड़ती है तो वो अक्सर अपने आप में ही मस्त रहती है। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब लड़कों को नया नया प्यार होता है तो उनके अंदर क्या बदलाव होते हैं। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। क्या मोहब्बत, आशिकी? सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं।
प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम की क्या है खास बातें। भारतीय इतिहास की वो कौन कौन सी प्रसिद्ध प्रेम कहानियां रही हैं जो अमर हो गई और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। प्रभास की राधे श्याम आने वाली है जिसका हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मोशन पोस्टर है। प्यार की कहानियां दिख रही हैं, अलग अलग एरा की कहानियां दिख रही हैं जो दिल छूने वाली हैं। प्रभास की जो ये फिल्म है उसमें पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। पूजा हेगड़े का नाम इसमें प्रेरणा होने वाला है और प्रभास का नाम विक्रमादित्य। मतलब क्या होने वाली है फिल्म की कहानी, ये अभी से बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है सभी को। तो चलिए इसी में हम आपको सुनाने वाले हैं उन प्रेम कहानियों को जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और हर कोई चाहता है कि कपल हो तो ऐसा। पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन चौहान की प्रेम कहानी भी बेहद निराली है। पृथ्वीराज को अपने दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो गया। जब ये खबर जयचंद को लगी तो उन्होंने इतने गुस्से में संयुक्ता का स्वयंवर रचा दिया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए दरबार के बाहर एक पुतला बनवाया। इस स्वयंवर में कई राजकुमार आए, लेकिन संयोगिता को भी पृथ्वीराज पसंद थे और उन्होंने पुतले को ही माला चढ़ा दी। उसी पुतले के पीछे पृथ्वीराज छुपे हुए थे। भरे दरबार से सबके सामने वो संयोगिता को लेकर भाग गए और विवाह कर लिया। इसके बाद नंबर आता है बाज बहादुर और रूपमती की कहानी। इनकी प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने शिकार के दौरान रूपमती को देखा और उनको दिल दे बैठे। एक सुल्तान ने एक मामूली सी लड़की को देखा और किसी की परवाह किए बगैर उनको बेगम बना दिया। घर वालों ने भी गैर मुस्लिम रूपमती को नहीं स्वीकारा, लेकिन बाज बहादुर ने किसी की परवाह किए बगैर उनसे मोहब्बत की और अपनी मोहब्बत को मंजिल तक भी ले गए। प्यार की दुनिया के परिंदों का तो इन्हीं का नाम लिया जाता है और अब इस कहानी में राधे श्याम का नाम भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लव स्टोरी इतनी खतरनाक होने वाली है, महाकाव्यात्मक होने वाली है और पूजा हेगड़े और प्रभास इसका चित्रण करने वाले हैं। आपको राधे श्याम में इन लव स्टोरी को देखने का कितना मन है, कितना वेट हो रहा है राधे श्याम का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे कहानियों के लिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। प्रभास की राधे श्याम अभी से सुपरहिट क्यों मानी जा रही है? प्यार में पड़ने के बाद लड़कियों की आदतें क्यों बदल जाती हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जब से घोषणा हुई है तब से ये चर्चा बनी है कि राधे श्याम भी बाहुबली की तरह सुपरहिट फिल्म होगी। राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वे दोनों प्यार की परिभाषा को नए सिरे से प्रभाषित करते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार जरूर हुआ होगा। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतों में कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ आदतें प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ
इंसान की आदतें बदल जाती। अक्सर शादी के बाद लड़का और लड़की की जिंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल तो कुछ लोग सूझबूझ वाले हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियां नई नई प्यार में पड़ी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या तो नींद की होती है। इस दौरान लड़कियां जल्दी बिस्तर पर चली जाती हैं, पर जल्दी सोती नहीं, क्योंकि उनको जल्दी नींद नहीं आती है। वो अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती है। लड़कियां अपनी खूबसूरती पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लड़कियां अपना मोबाइल लॉक करके रखती और एक मिनट के लिए भी मोबाइल को अपने से अलग नहीं करती। वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा कर रखती है, क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनका मोबाइल न चेक कर ले। जब वो किसी के प्यार में होती है तो वो अपने दोस्तों से दूरियां बना ले। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि उसके दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। जब लड़की प्यार में नई नई पड़ती है तो वो अक्सर अपने आप में ही मस्त रहती है। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब लड़कों को नया नया प्यार होता है तो उनके अंदर क्या बदलाव होते हैं। क्या लगते क्या है? अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस्टी का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो वो। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आती है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते और शेर अकेले। इसे थोड़ा कम कर, बहुत ऊपर जाएगा वरना सीधा ऊपर जाएगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सकता। क्या है?
बात बताना, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं। क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। प्रभास की राधे श्याम अभी से सुपरहिट क्यों मानी जा रही है? प्यार में पड़ने के बाद लड़कियों की आदतें क्यों बदल जाती हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जब से घोषणा हुई है तब से ये चर्चा बनी है कि राधे श्याम भी बाहुबली की तरह सुपरहिट फिल्म होगी। राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वे दोनों प्यार की परिभाषा को नए सिरे से प्रभाषित करते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार जरूर हुआ होगा। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतों में कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ आदतें प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अक्सर शादी के बाद लड़का और लड़की की जिंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल तो कुछ लोग सूझबूझ वाले हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियां नई नई प्यार में पड़ी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या तो नींद की होती है। इस दौरान लड़कियां जल्दी बिस्तर पर चली जाती हैं, पर जल्दी सोती नहीं, क्योंकि उनको जल्दी नींद नहीं आती है। वो अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती हैं। लड़कियां अपनी खूबसूरती पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लड़कियां अपना मोबाइल लॉक करके रखती और एक मिनट के लिए भी मोबाइल को अपने से अलग नहीं करती। वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा कर रखती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनका मोबाइल न चेक कर ले। जब वो किसी के प्यार में होती हैं तो वो अपने दोस्तों से दूरियां बना ले। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि उसके दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। जब लड़की प्यार में नई नई पड़ती है तो वो अक्सर अपने आप में ही मस्त रहती है। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब लड़कों को नया नया प्यार होता है तो उनके अंदर क्या बदलाव होते हैं। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रे नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बताना, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हो। है हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ।
लगते क्या है? ओए रानी, इतने पास बता ना, कहीं प्यार ना हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं। क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। है जहाँ बीच में एक बस, एक सिंगल ट्रेन ट्रैक दिखता है। इसमें रोमियो जूलियट, लैला मजनू, देवदास पार्वती और आखिर में राधे श्याम की लव स्टोरी की झलक दिखाई गई है और लोगों को इतना पसंद आया कि चंद घंटों में भयंकर वायरल हो गया। फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि हमें हमेशा जो रोमांटिक फिल्में होती है, प्यार की कहानियां दिखाती हैं, बड़ा मजा आता है ऐसी फिल्मों को देखने में। तो चलिए प्यार से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको बताती हूँ। सच्चा प्यार समर्पण की भावना रखता है दोस्तों। जो सच्चा प्यार करते हैं वो पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पार्टनर की खुशी के लिए वो कोई भी तकलीफ उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं जो लोग मतलब का रिश्ता रखते हैं उनके लिए त्याग की भावना कोई मायने नहीं रखती। ज्यादातर स्कूल के दिनों, कॉलेज के शुरुआती दिनों और फिर बाली उम्र में होता है पहला प्यार। प्यार की समझ हमें तब आती है जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं, यानी कि जब हमारी उम्र 14 से 16 साल की होती है और एक दिन वो दिखाई न दे तो आपके दिल में अनेक अशुभ बातें चलने लग जाती हैं, दिल में बुरी तरह से घबराहट होने लग जाती है। तो अगर आपको बातें करते रहें, रोमांटिक फिल्म में हीरो की जगह आप खुद को रख देते हैं और हीरोइन की जगह उसको रख लेते हैं, आपको भूख कमने लगती है और भूख नहीं लगती मतलब कम लगती है और खाने पीने की सुध नहीं रहती, पत्र पत्रिकाओं में राजनीति, सामाजिक, करियर आदि की खबरों को छोड़कर आप फैशन, फिटनेस, ब्यूटी टिप्स, माय फर्स्ट लव, लव टिप्स आदि पढ़ने लग जाते हैं, इनको पसंद करने लग जाते हैं। अखबार में पहली उसकी और फिर अपनी राशि चेक करने लग जाते हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भले याद हो ना हो लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी पूरी फैमिली का बायोडाटा आपको जुबानी याद होता है। गजलें और दर्द भरे गीत आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, दूसरों को भी सुनने की सलाह देते हैं, गजल शेर व शायरी पर लंबा लेक्चर देने लगते हैं, मानो उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो। खुद में जादू की शक्ति संचार हो जाने की कल्पना करें, आपको ऐसा लगने लगे कि आप खुद गायब होकर कुछ ही पलों में कहीं से कहीं पहुंच जाए। अपने कंप्यूटर का पासवर्ड का नाम और कोड भी यही रख लेते हैं, मतलब उसका नाम रख लेते हैं। जब भी वो उठकर कहीं जाए तो आपकी निगाहें उसका पीछा करने लग जाती हैं, उसके पालतू कुत्ते बिल्ली को भी चूमने का मन करने लगता है। आपके पास कैमरा होने पर उसकी ढेर सारी तस्वीरें खींचने का मन करता है। जब वो किसी लड़के या लड़की के साथ बात करे तो आपको ईर्ष्या होने लगती है और उस लड़के का गला घोंचने का मन करता है। लड़की से तो कम पर लड़के के साथ आपको ज़्यादा होगा, मतलब दो केसेस में ऐसा है। तो ऐसा कुछ होने लगता है दोस्तों जब प्यार होता है। तो क्या आपको प्यार हुआ है और राधे श्याम की प्रेम कहानी को देखने का आपको कितना इंतज़ार है, इस फिल्म का कितना इंतज़ार है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे इंटरेस्टिंग बातों और फिल्मों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। प्रभास की राधे श्याम की मोशन पोस्टर को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है? आखिर देवदास और पारो की प्रेम कहानी इतनी फेमस क्यों हुई जो आज तक भी सबको लुभाती है और सभी प्रेमी खुद को इस जोड़े से जोड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। राधे श्याम फिल्म हाल ही में जो मोशन पोस्टर आया है उसने तहलका मचा दिया है। इसकी शुरुआत एक ट्रेन में बैठे रोमियो जूलियट और सलीम अनारकली जैसे प्रसिद्ध स्टार प्रेमियों की झलक दिखती है। एनिमेशन दृश्यों के बाद वीडियो में पूजा हेगड़े और प्रभास को ट्रेन में रोमांस करते हुए दिखाया गया है। राधे श्याम यूरोप में एक पीरियड रोमांस सेट है जो कि CGI के माध्यम से किया गया है। मोशन पोस्टर बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, इसीलिए बहुत ज़्यादा तारीफें लूट रहा है। पोस्टर में फिल्म से देवदास और पारो
हीर रांझा जैसे कई प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानियों के माध्यम से ट्रेन की सवारी दिखाई गई है। फिल्म में विक्रमादित्य के चरित्र को दिखाएंगे प्रभास, यानी कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो विक्रमादित्य नाम का कैरेक्टर है, और एक ही नस में उसके प्रेमी प्रेरणा को दिखाया गया है, यानी कि पूजा हेगड़े का नाम प्रेरणा होने वाला है। प्रभास ने विक्रमादित्य की भूमिका निभाई है, पूजा हेगड़े प्रेरणा बनने वाली है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग इटली में हो रही है और जल्द से जल्द ये कोशिश कर रहे हैं कि रैप अप हो जाए ये फिल्म। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में फिल्म की टीम ने प्रभास का एक पोस्टर जारी किया और उनके नाम का भी खुलासा किया, और साथ ही वो विंटेज कारों के साथ नजर आ रहे थे और नंबर प्लेट में लिखा गया था उनका नाम। दोस्तों इसके अलावा लव स्टोरी तो ये है ही महाकाव्यात्मक, मतलब बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अगर आप लव स्टोरीज के दीवाने हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। और देवदास और पारो की कहानी की अगर हम बात करें, जो कि फिल्म के मोशन पोस्टर में भी दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा लुभाती है इन दोनों की कहानी। और इसे शरदचंद चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था ये उपन्यास। देवदास प्रेम कहानी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये कहानी ब्रिटिश भारत की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी, फिर भी पाठकों के बीच कहानी अभी भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसे कई बार फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। शाहरुख और ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित की फिल्म देवदास वाली फिल्म में दिखाया गया है। बड़ा मजा आता है, इस फिल्म को कितनी बार देखे कम लगता है। देवदास काल्पनिक नाम था, लेकिन देवदास और पार्वती की जो प्रेम कहानी थी, प्रेम प्रसंग था, वो कभी भी असत्य नहीं लगता, ऐसा लगता है सब कुछ सच है। वही आपको बता दें, देवदास और पार्वती बचपन के दोस्त है और वो प्रेमी थे। जैसे जैसे वो जवान होते गए उनका प्यार भी और ज्यादा मजबूत होता गया। जब देवदास और पार्वती के बीच गठबंधन का समय आया तो देवदास के परिवार ने नकार दिया, जिसके कारण दोनों प्रेमियों का जीवन तबाह होकर रह गया। पार्वती का विवाह उससे ज्यादा उम्र के इंसान से हो गया, जबकि देवदास पीने लगा। उसको पीने में ही शांति मिलती थी, शराबी हो चुका था वो अपनी पारो के प्यार में। अपने आखिरी दिनों के दौरान देवदास पार्वती से मिलना चाहता था, लेकिन पार्वती ने मुलाकात से इनकार कर दिया। देवदास की अपने टूटे दिल के साथ ही मृत्यु हो गई। देवदास और पार्वती की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि प्रेमी अभी भी देवदास और पार्वती के प्रेम को खुद से जोड़ते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसे ही प्रेमी हैं देव और पारो जैसे, और किस लव स्टोरी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जरूर बताइएगा। राधे श्याम का कितना इंतजार है ये भी लिखिए, और इसी तरह की दूसरी कहानियों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। जहाँ बीच में एक बस, एक सिंगल ट्रेन ट्रैक दिखता है, इसमें रोमियो जूलियट, लैला मजनू, देवदास पार्वती और आखिर में राधे श्याम की लव स्टोरी की झलक दिखाई गई है, और लोगों को इतना पसंद आया कि चंद घंटों में भयंकर वायरल हो गया। फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हमें हमेशा जो रोमांटिक फिल्में होती है, प्यार की कहानियां दिखाती हैं, बड़ा मजा आता है ऐसी फिल्मों को देखने में। तो चलिए प्यार से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको बताती हूँ। सच्चा प्यार समर्पण की भावना रखता है दोस्तों। जो सच्चा प्यार करते हैं वो पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पार्टनर की खुशी के लिए वो कोई भी तकलीफ उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं जो लोग मतलब का रिश्ता रखते हैं, उनके लिए त्याग की भावना कोई मायने नहीं रखती। ज्यादातर स्कूल के दिनों, कॉलेज के शुरुआती दिनों और फिर बाली उम्र में होता है
पहला प्यार। प्यार की समझ हमें तब आती है जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं, यानी कि जब हमारी उम्र 14 से 16 साल की होती है और एक दिन वो दिखाई न दे तो आपके दिल में अनेक अशुभ बातें चलने लग जाती हैं, दिल में बुरी तरह से घबराहट होने लग जाती है। तो अगर आपको बातें करते रहें, रोमांटिक फिल्म में हीरो की जगह आप खुद को रख देते हैं और हीरोइन की जगह उसको रख लेते हैं, आपको भूख कम लगती है और खाने पीने की सुध नहीं रहती, पत्र पत्रिकाओं में राजनीति, सामाजिक, करियर आदि की खबरों को छोड़कर आप फैशन, फिटनेस, ब्यूटी टिप्स, माय फर्स्ट लव, लव टिप्स आदि पढ़ने लग जाते हैं, इनको पसंद करने लग जाते हैं, अखबार में पहली उसकी और फिर अपनी राशि चेक करने लग जाते हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भले याद हो ना हो, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी पूरी फैमिली का बायोडाटा आपको जुबानी याद होता है। गजलें और दर्द भरे गीत आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, दूसरों को भी सुनने की सलाह देते हैं, गजल शेर व शायरी पर लंबा लेक्चर देने लगते हैं, मानो उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो। खुद में जादू की शक्ति संचार हो जाने की कल्पना करें, आपको ऐसा लगने लगे कि आप खुद गायब होकर कुछ ही पलों में कहीं से कहीं पहुंच जाए। अपने कंप्यूटर का पासवर्ड का नाम और कोड भी यही रख लेते हैं, मतलब उसका नाम रख लेते हैं। जब भी वो उठकर कहीं जाए तो आपकी निगाहें उसका पीछा करने लग जाती हैं, उसके पालतू कुत्ते बिल्ली को भी चूमने का मन करने लगता है, आपके पास कैमरा होने पर उसके ढेर सारी तस्वीरें खींचने का मन करता है, जब वो किसी लड़के या लड़की के साथ बात करे तो आपको ईर्ष्या होने लगती है और उस लड़के का गला घोंचने का मन करता है। लड़की से तो कम पर लड़के के साथ आपको ज़्यादा होगा, मतलब दो केसेस में ऐसा है। तो ऐसा कुछ होने लगता है दोस्तों जब प्यार होता है। तो क्या आपको प्यार हुआ है और राधे श्याम की प्रेम कहानी को देखने का आपको कितना इंतज़ार है, इस फिल्म का कितना इंतज़ार है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे इंटरेस्टिंग बातों और फिल्मों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। क्या लगते क्या हम तुम्हारे, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। वो एक रानी अपने पास बता, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूं। इस बार अपने बर्थडे पर उन्होंने फैंस को सरप्राइज दिया अपनी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम का मोशन पोस्टर शेयर कर। इसमें प्रभास के साथ उनकी को स्टार पूजा हेगड़े भी दिखाई दे रही हैं। इस एनिमेटेड पोस्टर में ट्रेन की जर्नी से पूरी स्टोरी की झलक दिखाई गई है, इफेक्ट्स भी शानदार है। प्रभास ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राधे श्याम की रोमांटिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। 1 मिनट 16 सेकंड का टीजर देख कर तो यही लग रहा है कि फिल्म की कहानी ट्रेन जर्नी के इर्द गिर्द घूमती हुई होगी। फैंस को प्रभास का लुक और टीजर खूब पसंद आ रहा है। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। राधे श्याम की शूटिंग इस साल जनवरी में शुरू हो चुकी मगर कोरोना ने प्लान चौपट कर दिया। खबर है कि इस फिल्म में प्रभास हस्तरेखा विशेषज्ञ की भूमिका में नजर आएंगे। पूजा हेगड़े म्यूजिक टीचर का रोल निभाएंगी। पहली बार दोनों सितारे एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। राधे श्याम मूवी में भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम
मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के टीजर को देख करके लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म सुपरहिट हुई थी, उसी प्रकार से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। लेकिन ये बात तो रिलीज के बाद ही सिद्ध होगी। वैसे प्रभास के पास इस समय काफी प्रोजेक्ट है, उनकी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष भी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि वे फिल्म में राम की भूमिका निभाएंगे, जिसमें राम का किरदार प्रभास निभाएंगे। फिल्म में लंकेश की भूमिका में सैफ अली खान होंगे और इसी फिल्म में अजय देवगन शिव की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये प्रभास की फिल्म क्या बाहुबली की तरह बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस करेगी, और आपको प्रभास की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती। प्रभास की राधे श्याम अभी से सुपरहिट क्यों मानी जा रही है? प्यार में पड़ने के बाद लड़कियों की आदतें क्यों बदल जाती हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जब से घोषणा हुई है तब से ये चर्चा बनी है कि राधे श्याम भी बाहुबली की तरह सुपरहिट फिल्म होगी। राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वे दोनों प्यार की परिभाषा को नए सिरे से प्रभाषित करते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार जरूर हुआ होगा। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतों में कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ आदतें प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अक्सर शादी के बाद लड़का और लड़की की जिंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल तो कुछ लोग सूझबूझ वाले हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियां नई नई प्यार में पड़ी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या तो नींद की होती है। इस दौरान लड़कियां जल्दी बिस्तर पर चली जाती हैं पर जल्दी सोती नहीं, क्योंकि उनको जल्दी नींद नहीं आती है। वो अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती है। लड़कियां अपनी खूबसूरती पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लड़कियां अपना मोबाइल लॉक करके रखती और एक मिनट के लिए भी मोबाइल को अपने से अलग नहीं करती। वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा कर रखती है क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनका मोबाइल न चेक कर ले। जब वो किसी के प्यार में होती है तो वो अपने दोस्तों से दूरियां बना ले। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि उसके दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। जब लड़की प्यार में नई नई पड़ती है तो वो अक्सर अपने आप में ही मस्त रहती है। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब लड़कों को नया नया प्यार होता है तो उनके अंदर क्या बदलाव होते हैं। Thank you.
कुत्ते क्या है? ओए रानी, इतने पास बता दो, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं। क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। प्रभास की राधे श्याम अभी से सुपरहिट क्यों मानी जा रही है? प्यार में पड़ने के बाद लड़कियों की आदतें क्यों बदल जाती हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जब से घोषणा हुई है तब से ये चर्चा बनी है कि राधे श्याम भी बाहुबली की तरह सुपरहिट फिल्म होगी। राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वे दोनों प्यार की परिभाषा को नए सिरे से प्रभाषित करते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार जरूर हुआ होगा। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतों में कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ आदतें प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अक्सर शादी के बाद लड़का और लड़की की जिंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल तो कुछ लोग सूझबूझ वाले हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियां नई नई प्यार में पड़ी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या तो नींद की होती है। इस दौरान लड़कियां जल्दी बिस्तर पर चली जाती हैं पर जल्दी सोती नहीं, क्योंकि उनको जल्दी नींद नहीं आती है। वो अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती है। लड़कियां अपनी खूबसूरती पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लड़कियां अपना मोबाइल लॉक करके रखती और एक मिनट के लिए भी मोबाइल को अपने से अलग नहीं करती। वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा कर रखती है क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनका मोबाइल न चेक कर ले। जब वो किसी के प्यार में होती हैं तो वो अपने दोस्तों से दूरियां बना ले। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि उसके दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। जब लड़की प्यार में नई नई पड़ती है तो वो अक्सर अपने आप में ही मस्त रहती है। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब लड़कों को नया नया प्यार होता है तो उनके अंदर क्या बदलाव होते हैं। क्या लगते क्या ओए रानी, इतने पास बता ना, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं। क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज। प्रभास की राधे श्याम अभी से सुपर हिट क्यों मानी जा रही है? प्यार में पड़ने के बाद लड़कियों की आदतें क्यों बदल जाती है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जब से घोषणा हुई तब से ये चर्चा बनी है। राधे श्याम भी बाहुबली राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वे दोनों प्यार की परिभाषा को नए सिरे से प्रभाषित करते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार जरूर हुआ होगा। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतों में कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ आदतें प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अक्सर शादी के बाद लड़का और लड़की की जिंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल
तो कुछ लोग सूझबूझ वाले हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियां नई नई प्यार में पड़ी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या तो नींद की होती है। इस दौरान लड़कियां जल्दी बिस्तर पर चली जाती हैं, पर जल्दी सोती नहीं, क्योंकि उनको जल्दी नींद नहीं आती है। वो अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती। लड़कियां अपनी खूबसूरती पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लड़कियां अपना मोबाइल लॉक करके रखती और एक मिनट के लिए भी मोबाइल को अपने से अलग नहीं करती। वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा कर रखती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनका मोबाइल न चेक कर ले। जब वो किसी के प्यार में होती हैं तो वो अपने दोस्तों से दूरियां बना लेती। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि उसके दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। जब लड़की प्यार में नई नई पड़ती है तो वो अक्सर अपने आप में ही मस्त रहती है। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब लड़कों को नया नया प्यार होता है तो उनके अंदर क्या बदलाव होते हैं। राधे श्याम के हिट होने की उच्च संभावना क्यों है? राधे श्याम की अनुमानित सफलता के लिए बाहुबली कैसे जिम्मेदार हो सकता है? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत है। प्रभास की आगामी तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म राधे श्याम की शूटिंग हैदराबाद में एक महीने के लंबे ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो गई है। फिल्म यूरोप में एक पीरियड लव स्टोरी होने वाली है। निर्माताओं ने नवंबर में इतालवी अनुसूची को लपेटा और परियोजना पर काम फिर से शुरू करने के लिए एक महीने का ब्रेक लिया। फिल्म के मुख्य भाग की शूटिंग इटली और कुछ अन्य विदेशी स्थानों पर की गई है। युग की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली महेशमति साम्राज्य की काल्पनिक कहानी थी। बाहुबली में शिवोडू एक युवा योद्धा महिला के प्यार में पड़ जाता है। जब वह उसे लुभाने की कोशिश करता है, उसे अपने परिवार के संघर्षपूर्ण अतीत और सच्ची विरासत के बारे में पता चलता है। तेलुगु अभिनेता प्रभास जब से भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म बना चुके हैं, तब से देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय इंसान भी बन चुके हैं। बाहुबली की सफलता और अद्भुत प्रतिक्रिया के बाद प्रभास न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। बाहुबली की पहली फिल्म हिट होने के तुरंत बाद उनको महिला फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा मिली है। साहो की कथानक काफी अच्छी नहीं थी और इसे प्रतिकूल समीक्षा भी मिली, लेकिन फिर भी ये दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 433 करोड़ की कमाई करने में सफल रही और ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी। इसने केवल प्रभास की फैन फॉलोइंग और मान्यता के कारण उन्हें बाहुबली से इतनी अधिक कमाई करवाई। लोग अपने पसंदीदा नायक प्रभास को देखने के लिए थिएटर जाने से खुद को रोक नहीं पाए।
ये भी उम्मीद की जा रही थी कि प्रभास की सभी फिल्मों की कथानक रेखा, सिनेमेटोग्राफी और गानों की परवाह किए बिना उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से भविष्य में उनको हर फिल्म हिट होती दिखाई देगी। जैसे सलमान की फिल्म भारत में उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से हिट हो जाती है, वैसे ही प्रभास की फिल्म भी उनकी फैन फॉलोइंग के कारण किसी भी चीज से हिट बन जाएगी। राधे श्याम को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने प्यार किया कि भाग्यश्री राधे श्याम में अहम भूमिका निभा रही हैं, तो संभावना है कि ये दर्शकों को थिएटर तक लाने और फिल्म को बॉलीवुड में सफल बनाने की महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है। बॉलीग्राफ स्टूडियोज को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी में हम वही चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया हूं, जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है। सालार के निर्देशक प्रशांत नील ने क्या बड़ा वादा किया? क्या वो कर पाएंगे इसको पूरा? क्या दीपिका पादुकोण ने प्रभास की फिल्म की तारीख ऋतिक रोशन को दे दी? आखिर ऐसा क्यों किया अभिनेत्री ने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। प्रभास अभी साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वजह से उनकी दावेदारी खतरे में है, क्योंकि अभी एक से एक हिट फिल्में रिलीज होने की तैयारी है। सोशल मीडिया पर भी अपने अपने पसंदीदा अभिनेता को बेस्ट बताने के लिए अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं उनके फैंस, लेकिन असली सुपरस्टार तो वही होगा जो भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों का दिल जीत पाएगा। प्रभास अपनी बाहुबली सीरीज से पहले ही लोगों का प्यार पा चुके हैं, लेकिन ऐसा होने से लोगों की उनसे उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, तो वहीं इस बार उनकी दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। यश ने भी अपनी फिल्म की KGF चैप्टर 1 से लोगों का दिलों में अच्छी खासी जगह बना ली है और इस फिल्म के दूसरे भाग के टीजर ने भी इंटरनेट पर धमाल मचा रखा है। अब यश और प्रभास के बीच लोगों का पसंदीदा सुपरस्टार बनने की रेस लगी हुई है, लेकिन प्रभास भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं है। खबर है कि वो KGF के निर्देशक प्रशांत नील के साथ फिल्म सालार करने जा रहे हैं। इस फिल्म का मुहूर्त पूजा से शुरू होगा और यह आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि निर्देशक इस फिल्म को जल्द ही खत्म करने का प्लान बना रहे हैं और इसके इसी कोलैबोरेशन की वजह से निर्देशक ने प्रभास को कुछ वादा किया है। आइए आपको बताते हैं क्या कहा है उन्होंने अभिनेता को। अभी फिलहाल प्रशांत नील और प्रभास हैदराबाद में हैं और स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं। बाद में कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए अपनी तारीख को भी एडजस्ट कर रहे हैं। ताज़ा खबर है कि प्रशांत नील ने प्रभास के हिस्से को लगभग 45 दिनों में पूरा करने का वादा किया है। प्रभास प्रशांत के प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हैं और उत्साहित हैं कि वे सालार के अपने हिस्से को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े सितारों की बड़ी डेट शेड्यूल होती है, कभी भी किसी बड़े स्टार को 45 दिनों में एक फिल्म पूरा करते नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभास इस उपलब्धि को सालार के साथ हासिल करेंगे। प्रशांत नील के निर्देशन वाली फिल्म फरवरी में फ्लोर पर आ जाएगी और प्रभास के पहले शेड्यूल से ही इस फिल्म से जुड़ने की उम्मीद है। प्रभास के कई प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट दीपिका पादुकोण के साथ भी थी, जिसके टाइटल के बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं आई थी, ना ही इसकी कोई तारीख बताई गई थी। ये फिल्म कब से शूट होगी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दीपिका ने प्रभास के साथ अपनी फिल्म की तारीख ऋतिक रोशन की फिल्म को दे दी है।
काफी समय से इन दोनों के नाम की चर्चा हो रही थी, आखिरकार अब उनकी फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म का टाइटल फाइटर रखा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि दीपिका और प्रभास की फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन करने वाले थे, लेकिन अब इन साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है। फिल्म की अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो गई थी और बताया गया था कि साल 2021 से इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन किसी न किसी वजह से इस फिल्म में लगातार देरी हो रही है। प्रभास भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट के साथ व्यस्त है, उसमें उनकी प्रशांत नील द्वारा निर्देशित की फिल्म सालार और ओम रावत की फिल्म आदि पुरुष है, इस वजह से फिल्म की बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसी वजह से दीपिका पादुकोण ने अपनी इस फिल्म की तारीख को ऋतिक रोशन की फिल्म को दे दी और इस फिल्म की शूटिंग मई में होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म में देरी होने लगी तो दीपिका ने दूसरी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर की जून से शूटिंग शुरू होगी। ये दोनों पहली बार साथ काम करने वाले हैं और अब देखते हैं उनकी जोड़ी लोगों को कितनी पसंद आती है। आपको क्या लगता है, आप उस जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या नहीं, आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। क्या लगते क्या है हम तुम्हारा, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता दो कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हो। राधे श्याम के निर्देशक ने क्यों धन्यवाद किया निक पावल का? उन्होंने निर्देशक का कौन सा सपना किया पूरा? निर्देशक ने फिल्म के बारे में कौन सी बड़ी जानकारी दी? फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चित सीन से जुड़े हैं ये बात। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है फिल्म का काम। सेट से बाहर हो रही है तस्वीर, क्या है उनसे खास? फिल्म राधे श्याम से जुड़े हर नए अपडेट के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। इटली से लेकर हैदराबाद तक आखिरकार फिल्म राधे श्याम का सफर खत्म होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ आखिरी कुछ सीन की शूटिंग की जा रही है। कुछ ही समय पहले फिल्म में वाटर एक्शन सीक्वेंस का शूट किया गया और इसी वजह से फिल्म चर्चा में थी। इस फिल्म को चर्चा में लाने के लिए फिल्म मेकर्स और उनकी टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस एक जानकारी और अभिनेता प्रभास की सेट से एक तस्वीर काफी होती थी। लोगों को इस फिल्म की तरफ आकर्षित करने के लिए, और ऐसा हुआ भी, फिल्म के सेट से अभिनेता की एक तस्वीर पोस्ट की गई और आते ही तो वायरल, हर जगह वायरल हो गई। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट में एक बन गई थी। और आइए आपको बताते हैं क्या है उनकी इस तस्वीर की खास बातें। ये तस्वीर फिल्म के शूट के बीच की, जब अभिनेता जॉर्जियो में शूट कर रहे थे। ये तस्वीर में प्रभास काली जैकेट में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में निर्देशक प्रतिष्ठा सहगल से बात करते नजर आ रहे हैं। उनकी कई और तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें से वो अपने फैंस को हाथ दिखाते नजर आते हैं। हैदराबाद में फिल्म में एक महीने में स्केड्यूल के बाद अब जाकर कहीं फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली गई। अब जब सेट से अभिनेता की तस्वीर वायरल हुई तो फैंस को और ज्यादा फिल्म के लिए उत्साहित हो रहे हैं। फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और अब बस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। जिसके बाद अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यह फिल्म थिएटर में देखने को मिल सकती है। अभी हाल ही में फिल्म से निर्देशक ने फिल्म से जुड़ी एक नई जानकारी दी है जो राधे श्याम के सबसे बड़े और चर्चित एक्शन सीन से जुड़ी है। आइए बताते हैं क्या कहा निर्देशक ने। उन्होंने बताया कि एक एक्शन सीन कितना मुश्किल था, इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के एक्शन डायरेक्टर के योगदान के लिए भी धन्यवाद किया। आपको बता दें कि निर्देशक ने निक पावेल को धन्यवाद किया, कहा कि उनकी वजह से उनका सपना पूरा हो गया। इस मुश्किल एक्शन सीन को हजार लोगों ने मिलकर सफल बनाया है और इस सफल के सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला सीक्वेंस था। इस बार हजार लोगों ने पूरे 100 दिन तक मेहनत की और निर्देशक जी 2 साल पुराने सपने को पूरा किया। उन्होंने पूरी टीम को इस एडवेंचर का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद किया।
अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने जैसे इटली का अपना सीक्वेंस जल्दी जल्दी शूट किया था और पूरी टीम से पहले भारत लौट आई थी, अभी भी वो उसी तरह पूरी मेहनत से अपने फिल्म का आखिरी हिस्से को शूट खत्म करने लगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस मेहनत को अंत से पहले ही अभिनेत्री अपना काम खत्म कर लेंगी। उसके फिलहाल उन्होंने फिल्म प्रोजेक्ट की कमी नहीं और वो बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इससे पहले जब वो बॉलीवुड में आई थी तो उनका अनुभव कुछ खास नहीं रहा था, अब जब दोबारा आई है तो वह मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म का हिस्सा थी जिसमें वो सही तरीके से दिख नहीं पाई थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी वापसी के लिए बॉलीवुड में छाने की तैयारी कर ली है। साथ ही वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर भी कब्जा जमाने की प्लानिंग कर चुकी है। उनकी आने वाली फिल्म बाहुबली प्रभास के साथ है और इस फिल्म को लेकर अभिनेत्री भी काफी चर्चा में है। अब देखते हैं इस फिल्म में उनके फैंस को कितना प्यार मिलता है। फिलहाल उनको अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से तुलना किया जा रहा है और उस जगह भी सबसे ऊपर रहने के लिए पूजा हेगड़े पूरे जी जान लगाई हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या लोग उनके फिल्म राधे श्याम में उतना प्यार देंगे जितना की उम्मीद है या उससे कम? तो ये फैंस का ही फैसला होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। क्या है हम तुम्हारा? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता, कहीं प्यार न है? और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। राधे श्याम के निर्देशक ने क्यों धन्यवाद किया निक पावल का? उन्होंने निर्देशक का कौन सा सपना किया पूरा? निर्देशक ने फिल्म के बारे में कौन सी बड़ी जानकारी दी? फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चित सीन से जुड़े हैं ये बात। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है फिल्म का काम। सेट से वायरल हो रही है तस्वीर, क्या है उनसे खास? फिल्म राधे श्याम से जुड़े हर नए अपडेट के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। इटली से लेकर हैदराबाद तक आखिरकार फिल्म राधे श्याम का सफर खत्म होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ आखिरी कुछ सीन की शूटिंग की जा रही है। कुछ ही समय पहले फिल्म में वाटर एक्शन सीक्वेंस का शूट किया गया और इसी वजह से फिल्म चर्चा में थी। इस फिल्म को चर्चा में लाने के लिए फिल्म मेकर्स और उनकी टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस एक जानकारी और अभिनेता प्रभास की सेट से एक तस्वीर काफी होती थी। लोगों को इस फिल्म की तरफ आकर्षित करने के लिए, और ऐसा हुआ भी, फिल्म के सेट से अभिनेता की एक तस्वीर पोस्ट की गई और आते ही तो वायरल, हर जगह वायरल हो गई। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट में एक बन गई थी। और आइए आपको बताते हैं क्या है उनकी इस तस्वीर की खास बातें। ये तस्वीर फिल्म के शूट के बीच की है जब अभिनेता जॉर्जियो में शूट कर रहे थे। ये तस्वीर में प्रभास काली जैकेट में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में निर्देशक प्रतिष्ठा सहगल से बात करते नजर आ रहे हैं। उनकी कई और तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें से वो अपने फैंस को हाथ दिखाते नजर आते हैं। हैदराबाद में फिल्म में एक महीने में स्केड्यूल के बाद अब जाकर कहीं फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली गई। अब जब सेट से अभिनेता की तस्वीर वायरल हुई तो फैंस को और ज्यादा फिल्म के लिए उत्साहित हो रहे हैं। फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और अब बस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। जिसके बाद अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यह फिल्म थिएटर में देखने को मिल सकती है। अभी हाल ही में फिल्म से निर्देशक ने फिल्म से जुड़ी एक नई जानकारी दी है जो राधे श्याम के सबसे बड़े और चर्चित एक्शन सीन से जुड़ी है। आइए बताते हैं क्या कहा निर्देशक ने। उन्होंने बताया कि एक एक्शन सीन कितना मुश्किल था। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के एक्शन डायरेक्टर के योगदान के लिए भी धन्यवाद किया। आपको बता दें कि निर्देशक ने निक पावे को धन्यवाद किया।
कहा कि उनकी वजह से उनका सपना पूरा हो गया। इस मुश्किल एक्शन सीन को हजार लोगों ने मिलकर सफल बनाया है और इस सफल के सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला सीक्वेंस था। इस बार हजार लोगों ने पूरे 100 दिन तक मेहनत की और निर्देशक जी 2 साल पुराने सपने को पूरा किया। उन्होंने पूरी टीम को इस एडवेंचर का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद किया। अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने जैसे इटली का अपना सीक्वेंस जल्दी जल्दी शूट किया था और पूरी टीम से पहले भारत लौट आई थी, अभी भी वो उसी तरह पूरी मेहनत से अपनी फिल्म का आखिरी हिस्से को शूट खत्म करने लगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस मेहनत को अंत से पहले ही अभिनेत्री अपना काम खत्म कर लेंगी। उसके फिलहाल उन्होंने फिल्म प्रोजेक्ट की कमी नहीं और वो बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इससे पहले जब वो बॉलीवुड में आई थी तो उनका अनुभव कुछ खास नहीं रहा था, अब जब दोबारा आई हैं तो वह मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म का हिस्सा थी जिसमें वो सही तरीके से दिख नहीं पाई थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी वापसी के लिए बॉलीवुड में छाने की तैयारी कर ली है। साथ ही वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर भी कब्जा जमाने की प्लानिंग कर चुकी है। उनकी आने वाली फिल्म बाहुबली प्रभास के साथ है और इस फिल्म को लेकर अभिनेत्री भी काफी चर्चा में है। अब देखते हैं इस फिल्म में उनके फैंस को कितना प्यार मिलता है। फिलहाल उनको अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से तुलना किया जा रहा है और उस जगह भी सबसे ऊपर रहने के लिए पूजा हेगड़े पूरे जी जान लगाई हुई है। आपको क्या लगता है, क्या लोग उनके फिल्म राधे श्याम में उतना प्यार देंगे जितना की उम्मीद है या उससे कम, तो ये फैंस का ही फैसला होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। राधे श्याम जल्द ही आने वाली एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसके राइटर और निर्देशक हैं राधा कृष्ण कुमार और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है प्रभास और पूजा हेगड़े ने। इस फिल्म की कहानी 1970 में हुए एक ड्रामा को दर्शाती है जिसकी शूटिंग हैदराबाद, इटली और जॉर्जिया में हुई थी। इस फिल्म के लिए हैदराबाद में एक बहुत बड़ा सेट भी बनाया जा रहा था जिसका कंस्ट्रक्शन अगस्त 2020 से वापस शुरू किया जाएगा। तो आइए एक नजर डालते हैं प्रभास और पूजा की फिल्म राधे श्याम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। मेरा नाम है गरिमा तोमर और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। प्रभास एक बेहद अच्छे अभिनेता हैं और उनकी फिल्म बाहुबली के बाद उन्होंने बहुत नाम कमा लिया है। उनकी फिल्म अलग अलग भाषाओं में रिलीज होती है जिस वजह से उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। प्रभास की इस फिल्म की बात करें तो इसे हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा। हालांकि इस बात के लिए प्रभास के कन्नड़ फैंस उनसे बहुत नाराज हैं कि वो इस फिल्म को रिलीज कन्नड़ में क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं कुछ समय पहले ही प्रभास की आने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म के पोस्टर का प्रक्षेपण किया गया था जिसकी चर्चा सुनने में आ रही थी। फैंस प्रभास और पूजा के इस लुक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जब उनका पहला लुक देखने को मिला तब सभी फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जताई। अभी हाल ही में प्रभास और पूजा का एक और पोस्टर सामने आया है जो असम पुलिस द्वारा साझा किया गया है। पोस्टर में पूजा और प्रभास एक रोमांटिक तरीके से पोस्टर के लिए खड़े होकर पोज दे रहे हैं और दोनों ने मास्क पहन रखा है। प्रभास की असम में बहुत चर्चा है और लोगों को उनके द्वारा किया गया अभिनय काफी पसंद आता है जिस वजह से असम पुलिस ने ये तरीका ढूंढा है लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करने का। इससे लोगों में समर्थन दिखाई दिया है और काफी हद तक लोग उनकी बात मान रहे हैं। पुलिस ने अपनी मैसेज के द्वारा वहां के लोगों को ये शिक्षा दी कि आप जिससे भी प्यार करते हैं या जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हें मास्क लगाने के बारे में बताना ना भूलें। जब भी आपका कोई करीबी बाहर जाए तो उन्हें मास्क लगाने को जरूर कहें। ये पोस्टर हमें फोटोशॉप के जरिए बनाया है। हालांकि हमने प्रभास से बात करने का प्रयास किया लेकिन कुछ कारणवश उनसे बात नहीं हो पाई। इसके पहले भी जब इसरो ने चंद्रयान 2 के मिशन में कामयाबी पाई थी तब असम पुलिस ने बाहुबली के स्टाइल में उन्हें मुबारकबाद दी थी। उस पोस्ट में बाहुबली ने चांद को अपने कंधे पर उठा रखा था। प्रभास ने बाहुबली के दोनों भागों में अपनी कला का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है जिस वजह से उन्हें अभी तक के प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। वो भी ये जानते हैं कि अगर उन्हें बाहुबली जैसी फिल्म में काम करने को ना मिलता तो शायद वो आज इस मुकाम तक ना पहुंच पाते। उनकी पहले 2 फिल्में बाहुबली और साहू का बजट मिलाकर देखा जाए तो वो तकरीबन 800 करोड़ था, लेकिन प्रभास की बाहुबली 2 ने पहले 10 दिन में ही 1000 करोड़ कमा लिए थे जिस वजह से इसे भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक
माना जाता है। देखने की बात ये होगी कि इनकी आने वाली ये फिल्म बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है और किस तरह प्रभास एक बार फिर लोगों का दिल जीतते नजर आते हैं। सो गाइस, आप कितना एक्साइटेड हैं प्रभास की इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दिस स्क्रिप्ट इज रिटन बाय हर्षिका आहूजा, तो आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी फिल्म से रिलेटेड हो या किसी भी एक्टर से रिलेटेड हो। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रन नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिक। अब कहां चल रही है राधे श्याम की शूटिंग और किस रोल में नजर आएंगे प्रभास? वही कैसे राधे श्याम एक सुपरहिट फिल्म साबित हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में, जहां आज बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के फेमस एक्टर प्रभास की आने वाली एकदम नई रोमांटिक ड्रामा फिल्म राधे श्याम की। आपको बता दें कि ये फिल्म एक पीरियड रोमांटिक फिल्म होने वाली है। वहीं जब से राधे श्याम का एक बेहद ही खूबसूरत मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, ये दिन आए दिन सुर्खियां बटोरती रहती हैं। वहीं फिल्म से पहले ही फिल्म से जुड़ी कई खबरें सामने आती जा रही हैं। आपको बता दें कि फिल्म में अपने फर्स्ट लुक और मोशन पोस्टर रिलीज करके प्रभास अपने फैंस की उत्सुकता बढ़ाते ही जा रहे हैं। और इस बार प्रभास के साथ टॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस पूजा हेगड़े दिखने वाली है। वहीं फिल्म में प्रभास और पूजा की जोड़ी काफी जच रही है। जहां पहले तो उनके पोस्टर पर अगर गौर फरमाए तो एक रेट्रो लुक नजर आता है, जिसमें पूजा और प्रभास दोनों ही रोमांटिक पोज में खड़े दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में रिलीज हुए मोशन पोस्टर के बाद अब पूजा और प्रभास दोनों का ही फर्स्ट लुक भी शेयर कर दिया गया है। साथ ही फिल्म में प्रभास और पूजा का नाम भी बताया गया है। फिल्म की टीम ने प्रभास का लुक शेयर किया है, जिसमें प्रभास का नाम विक्रम आदित्य है और पूजा का नाम फिल्म में प्रेरणा रखा गया है। वहीं हाल ही में रिलीज हुए प्रभास के लुक में वो एकदम मॉडर्न नजर आते हैं और खड़े हैं एक शानदार विंटेज कार के साथ, जिसमें वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर पूजा की हेगड़े के लुक पर गौर फरमाए तो वे सिंपल और संस्कारी लड़की के रूप में नजर आती है। देखा जाए तो दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी अलग है, जिसमें उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके और परिवार सब कुछ अलग दिखने वाला है। अब इस ऐसे में इनकी प्रेम कहानी कैसे पूरी हो पाती है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वहीं प्रभास की इस लुक को अगर उनके मोशन पोस्टर से कंपेयर करें तो कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म में आपको पुनर्जन्म देखने को मिलने वाला है। वहीं इस फिल्म में दो बिछड़े प्रेमी फिर से अपनी लव स्टोरी को पूरा करेंगे। अब बात करें प्रभास की, तो एक तरफ जहां उनकी फिल्म बाहुबली ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर दी थी और पूरी दुनिया में नाम कमाया था, उनकी अगली फिल्म साहो लोगों के दिलों पर उतरने से पीछे रह गई। वहीं लोगों की उम्मीदों पर खड़ी उतरने में भी असफल हुई। अब हालांकि प्रभास की फैन फॉलोइंग ही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनके आने वाली हर नई फिल्मों को लेकर फैंस उनसे बहुत उम्मीदें लगाए रखते हैं। वहीं आपको बता दें कि राधे श्याम को 180 से 200 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, जिस हिसाब से ये तो पक्का है कि फिल्म में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो शायद ही पिछली किसी रोमांटिक फिल्म में देखने को मिला होगा। वहीं फिल्म को बेहतरीन डायरेक्शन के साथ 2021 में बड़े पर्दों पर उतारने और डायरेक्ट करने वाले हैं राधा कृष्ण कुमार, जो कि काफी बेहतरीन तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को भी तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में शूट किया जाएगा, वो भी एक साथ। साथ ही इस मूवी को तमिल और मलयालम में भी डब किया जाने वाला है। कास्ट की बात करें तो प्रभास और पूजा के साथ साथ इस फिल्म में आपको कुणाल रॉय कपूर, भाग्यश्री जिनका किरदार काफी मुख्य बताया जा रहा है, देखने को मिलेंगी। साथ ही देखने को मिलेंगे सचिन खेड़ेकर। वहीं इस फिल्म में 1970 की एक रोमांटिक कहानी का पूरा सेम सीन दिखाया जाएगा। वहीं यूरोप की बेहतरीन वादियां और बेहतरीन स्क्रीन प्ले भी देखने को मिलेगा, जहां पूजा और प्रभास के रोमांटिक सॉन्ग्स भी फिल्माए जाएंगे।
आपको बता दें कि राधे श्याम की शूटिंग इटली और जॉर्जिया में हुई है। वहीं अब बची हुई शूटिंग को पूरा करने के लिए हैदराबाद में एक बहुत ही विशाल सेट तैयार किया जा रहा है, जिससे 2021 के शुरुआती महीनों में ही फिल्म का बड़े पर्दों तक उतरना काफी पक्का नजर आ रहा है। वही फिल्म वैलेंटाइन वीक में रिलीज हो जाए इसके भी काफी चांसेस लग रहे हैं। अब ये तो पक्का है कि राधा कृष्ण आपको एक बेहद ही खूबसूरत रोमांटिक फिल्म देने वाले हैं, लेकिन इसके लिए करना होगा आपको थोड़ा इंतजार। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं। साथ ही फिल्म में प्रभास और पूजा की जोड़ी आप देखने के लिए कितना एक्साइटेड है और अगली बार किस मूवी या सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। वो एक रानी इतने पास बता रहा, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। राधे श्याम कैसे आपको प्यार की दुनिया में ले जाएगी, क्या है राधे श्याम फिल्म की खास बातें और क्या प्यार आपको बना सकता है बीमार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। राधे श्याम यूरोप में स्थापित एक महाकाव्यात्मक प्रेम कहानी है दोस्तों, जो कि आपको प्यार की दुनिया में ऐसे ले जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप वहां पहुंच गए। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज हो रही है और इसमें पूजा हेगड़े और प्रभास नजर आने वाले हैं। और अब राधे श्याम की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, तो प्यार से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाली हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें, लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये कब, किसे, कहाँ, कैसे और क्यों हो जाता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे किसी तरह का कोई स्पष्ट कारण आज तक किसी ने नहीं दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्यार तो एक एहसास है जो किसी के लिए अचानक हमारे मन में समा जाता है। कई बार तो उस व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि वो प्यार में पड़ चुका है, लेकिन यही प्यार आपकी लाइफ को जितना खुशनुमा बना देता है, वही ये प्यार आपकी ज़िंदगी में कुछ बीमारियाँ भी ला सकता है, इससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि रिसर्च कह रही है। अमेरिका की न्यू जर्सी स्थित रटगर्स यूनिवर्सिटी में साल 2010 में हुई एक स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक प्यार एक तरह का नशा है। ये आपके दिमाग के उन हिस्सों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है जिनसे आप जरूरी निर्णय लेते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप प्यार में पड़ते हैं तो दिमाग में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन और वैसोप्रेसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को ड्रग्स लेने पर उसकी लत लग जाती है। ठीक उसी तरह का दिमाग में इन केमिकल्स की रिलीज होने पर आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं आपको उसकी लत लग जाती है, उसका एडिक्शन हो जाता है। प्यार सिर्फ नशा ही नहीं बल्कि आपको बीमार भी बना सकता है। बीमार होने का मतलब ये नहीं कि आप बिस्तर में पड़ जाएंगे, लेकिन शरीर में कुछ बदलाव या यूं कहे कि साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने लगेंगे। इस पूरी स्थिति को लव सिकनेस कहते हैं। दरअसल प्यार होते ही हमारे शरीर में मौजूद स्ट्रेस हॉर्मोन्स कॉर्टिसोल रक्त वाहिकाओं के जरिए हमारे पेट में पहुँच जाता है। इसकी वजह से पेट में गुदगुदाहट होने लगती है और आपको भूख महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है कि आप बीमार हो गए हैं। आपके प्यार भरे रिश्ते की शुरुआती एक दो साल के समय में जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, वो वाली फीलिंग रहती है। उस दौरान आपके शरीर में हॉर्मोन्स पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। साल 2004 में एक स्टडी की गई जिसकी माने तो जब आप प्यार में होते हैं तो स्ट्रेस हॉर्मोन कॉर्टिसोल
महिला और पुरुष दोनों में बढ़ जाता है और इस दौरान मेल सेक्स हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का लेवल पुरुषों में घट जाता है वहीं महिलाओं में बढ़ जाता है। रटगर्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रोमांटिक रिलेशनशिप में डूबे लोगों पर अध्ययन किया तो पाया कि ब्रेन का वो हिस्सा जो सामने वाले व्यक्ति को क्रिटिकली परखता है वो हिस्सा प्यार में पड़े लोगों का कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति को अपने पार्टनर की कमियां या तो नज़र नहीं आती या बेहद कम नज़र आती है। दिमाग का ये हिस्सा ही आपकी भूख प्यास और मॉनेटरी गेंस को इंस्टिगेट करता है लिहाजा प्यार में इन सब चीज़ों पर भी असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स की माने तो जब आपको सच्चा प्यार होता है तो ब्रेन में डोपामाइन जैसे ढेर सारे केमिकल्स भरे होते हैं जिस वजह से व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो सातवें आसमान में पहुंच चुका है। शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होने लगती है और रात रात भर नींद नहीं आती। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो नींद न लेने की वजह से ही कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं कि वजन बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर। तो आप समझे प्यार होने पर आपके जीवन में ये सारे बदलाव हो सकते हैं और बीमारियां भी हो सकती है। वैसे क्या आपने ये चीज़ें महसूस की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। वो एक रानी इतने पास बता रहा कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूं। से जुड़े एक खास इंसान प्रभास संग वायरल हो रही है उनकी फोटो। आखिर कौन है ये जो बन चुके हैं इस फिल्म का हिस्सा? आखिर आजकल कहां व्यस्त है अभिनेत्री पूजा हेगड़े और रश्मिका मंदना की वजह से क्यों नहीं कर सकती वो आराम? आखिर समंता के टॉक शो में आने से क्यों मना किया था प्रभास ने? क्या थी इसकी वजह? सिर्फ इतनी बड़ी फीस नहीं, फिल्म की प्रॉफिट में भी होगा प्रभास का हिस्सा? उनके और उनके प्रतिद्वंद्वी के बीच का फैसला हुआ और ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और आज इस वीडियो में हम फिल्म राधेश्याम की अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर अभी बॉलीवुड और साउथ फिल्म की अभिनेत्रियों में से सबसे ज्यादा कोई चर्चा में है तो वो है रश्मिका मंदना, क्योंकि अभी हाल ही में इंटरनेट ने उनका नेशनल क्रश घोषित कर दिया और अभिनेत्री सातवें आसमान पर है और उन्हें होना भी चाहिए क्योंकि वो जितनी खूबसूरत हैं वो उतनी अच्छी अभिनेत्री भी हैं और उनको फिल्म इंडस्ट्री में आए ज्यादा समय हुआ भी नहीं लेकिन काफी कम समय में ही उन्होंने अपना ऐसा मुकाम बना लिया है कि उनको ना बॉलीवुड ना साउथ फिल्म इंडस्ट्री, इन दोनों जगहों पर उनको कोई भी काम के लिए मना नहीं कर सकता। और इस बात से अगर कोई परेशान है तो वो है राधेश्याम की हीरोइन पूजा हेगड़े। आपको बता दें पूजा हेगड़े भी बला की खूबसूरत हैं और बेहतरीन अभिनेत्री भी, भले ही उनको खुद को साबित करने में थोड़ा समय लग गया लेकिन अभी वो जिस जगह पर हैं उनको वहां से कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन वो अपने इस मुकाम को खतरा मानती हैं और अभिनेत्री रश्मिका मंदना को, क्योंकि वो उनको ही सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानती हैं और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही अभिनेत्री एक दूसरे को किसी मामले में कम नहीं। अभिनेत्री रश्मिका मंदना अभी अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा में व्यस्त हैं और पूजा हेगड़े अभी बस राधेश्याम की शूटिंग कुछ समय में खत्म कर लेंगी और अपने बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। अभिनेत्री को हर तरफ से इतने ऑफर्स आए हैं कि वो फिलहाल एक भी नई फिल्म साइन नहीं कर सकती। अभी वो अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को ऐसे आगे बढ़ते देख वो और तेजी से अपने काम पर फोकस कर रही हैं और बिल्कुल भी आराम का समय नहीं ले रही। अब देखते हैं उनकी इतनी मेहनत कितना रंग लाती है। वहीं राधेश्याम के अभिनेता हजार करोड़ की फिल्म पर काम कर रहे हैं और हर निर्देशक और निर्माता को एक्टर और उनके फैंस पर इतना भरोसा है कि वो एक बार भी उन पर पैसे खर्च करने की पहले ज्यादा सोचता भी नहीं है और उनका यही विश्वास उनकी फिल्मों को हिट बनाती है।
अब देखते हैं इन फिल्मों से उनका कितना फायदा मिलता है। आपको बता दें कि मौका का फायदा उठाते हुए अभिनेता ने भी अपनी बात रखी दी। उनकी आने वाली फिल्म आदि पुरुष के लिए उनको बहुत ज्यादा फीस दी गई है, जिसके बारे में अभी तक बताया नहीं गया है। वहीं अभिनेता ने ये भी कह दिया कि फिल्म के प्रोजेक्ट में भी उनका हिस्सा होगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि उनका अब तक की सबसे महंगी फीस दी जा रही है, जो उनके और उनके निर्माता के बीच की बात है। हर प्रॉफिट वाले बात भी है और उनको भी पता है। अभी उनकी फिल्म राधेश्याम की बजट 150 करोड़ है और आदि पुरुष की 250 करोड़। और ओम रावत की फिल्म जो वो दीपिका पादुकोण के साथ कर रहे हैं, उसमें जुड़ी कोई जानकारी नहीं आई है। आपको बता दें, प्रभास एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं और उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। वो उन्होंने भी किसी भी काम को माना नहीं है, और उन्होंने समंथा के टॉक शो पर आने के लिए क्यों मना कर दिया। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या वजह थी इसके पीछे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रभास कितने शर्मीले हैं और उनके फैंस चाहते थे कि उनके फेवरेट अभिनेता सामने आकर उनसे बात करें, इसलिए समंथा ने भी उनको शो पर आने के लिए रिक्वेस्ट किया। लेकिन अभिनेता ने ये कहकर मना कर दिया कि वो फैंस का मनोरंजन नहीं कर पाएंगे, और अब फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करने में अभिनेता का तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब किसी शो की बात होती है तो वो नर्वस हो जाते हैं, और ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था। अब देखते हैं फिल्म राधेश्याम की रिलीज के समय अभिनेता सबके सामने आते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट आद्या ठाकुर ने लिखी है। शाम को लेकर पूजा हेगड़े ने क्या अपडेट दी है, इटली में किस तरह से शूट चल रहा है, क्योंकि इटली सबसे ज्यादा अफेक्टेड था कोरोना वायरस से, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें, कब तक इसका शूट निपटा दिया जाएगा इटली में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। बात करेंगे प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम की, जिसका एक पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसमें पूजा हेगड़े और प्रभास नजर आ रहे थे। पूजा हेगड़े एकदम विंटेज का ही टाइम दिख रहा है, जिसमें पीछे से फॉरेनर दिख रहे हैं। ट्रेन की एक बोगी दिख रही है, जिसमें कि पूजा हेगड़े ने स्कार्फ पहना हुआ है, उनका आधा फेस कवर है, और बैक पोर्शन दिख रहा है प्रभास का, यानी कि पूजा हेगड़े का। उनके बर्थडे के दिन पोस्टर शेयर कर दिया गया है, और अब प्रभास के बर्थडे का दिन का इंतजार है, जो कि 23 अक्टूबर का है, और हो सकता है कि उस दिन राधे श्याम का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया जाए, जिसमें हमारे डार्लिंग प्रभास नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि राधे श्याम जैसे कि नाम है, तो पूजा हेगड़े ने बहुत सारी बातें रिवील की है अपने बर्थडे के दिन ही। उन्होंने ये सब बातें बताई है, जैसे कि राधे श्याम कहा जा रहा था कि
हो सकता है ये माइथोलॉजिकल कोई फिल्म हो, उनसे मिलती जुलती हो जो राधा कृष्ण है। तो पूजा हेगड़े ने कहा है कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राधे श्याम से इंस्पायर्ड ये कैरेक्टर हो सकते हैं। इटली में फिलहाल इसका शूट चल रहा है। इसके अलावा डबल रोल की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि जो टाइटल था मोशन पोस्टर में उसमें लिखा गया है प्रेरणा, तो राधे श्याम फिल्म का नाम है राधे, जहाँ तक पूजा हेगड़े का नाम होगा तो प्रेरणा कौन है। तो इसके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि कोई डबल रोल मेरा इस फिल्म में नहीं है। अब प्रभास का है या नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं बस फिल्म के लिए ये कहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है जो हमने आज तक नहीं देखा है, और प्रभास ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हमने कभी नहीं देखी है और आंखें फटी की फटी रह जाती है हर फिल्म को देखकर। वहीं इटली में इसका शूट चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था कोरोना वायरस से। आप सभी जानते हैं इतनी सारी मौतें हुई, इतने लोग इन्फेक्टेड हुए, तो उस बारे में भी कहा गया है कि इटली में उनका शूट चल रहा है, लेकिन अब काफ़ी हद तक वहाँ सब कुछ कंट्रोल है, ज़िंदगी आसान हो गई है, मास्क पहन के शूट करते हैं, सैनिटाइजर हमेशा रहता है, कम क्रू है, लेकिन सब कुछ सही चल रहा है। इसके अलावा नो हग पॉलिसी हो चुकी है। आप सभी जानते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है, स्टार्स मिलते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, तो ये पॉलिसी खत्म कर दी गई है कोरोना वायरस के चलते, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जा सके। इटली में शूट की बात करें तो 31 अक्टूबर तक ये शूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब वो वापस लौटेंगे तो हैदराबाद में कंटिन्यू किया जाएगा, और लास्ट स्केड्यूल इसका खत्म हो जाएगा नवंबर एंड तक, और जल्द से जल्द ये फिल्म आपके सामने हाजिर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद प्रभास को अपनी फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग करनी है। और जनवरी से कहा जा रहा है कि प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग करेंगे, जिसमें वो श्री राम के किरदार में नजर आएंगे। वहीं सैफ अली खान हमारे छोटे नवाब भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, और वो करने वाले हैं रावण यानी लंकेश का किरदार। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा भी में नजर आएंगे लक्ष्मण के किरदार में, लेकिन सीता कौन होने वाली है ये अभी तक पता नहीं है। अनुष्का शेट्टी को अगर सीता के रोल में देखा जाए तो मजा आ जाएगा। इन दोनों की जोड़ी, प्रभास और अनुष्का शेट्टी की जोड़ी, हमेशा से बहुत फेमस रही है, तो हो सकता है सीता का रोल इस बार अनुष्का शेट्टी को मिल जाए। वैसे आप आदि पुरुष में सीता के रोल में किसे देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा प्रभास की प्रभास 23 तक उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और बहुत सारी फिल्में लाइनअप में हैं जैन से शूट होगा। फिलहाल राधे श्याम का बहुत इंतजार हो रहा है और इसका शूट खत्म भी होने वाला है, तो अगले साल तक हो सकता है ये फिल्म रिलीज कर दी जाए। आपको राधे श्याम का कितना इंतजार है, प्रभास की तमाम फिल्मों का कितना इंतजार रहता है, पूजा हेगड़े आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मी रिव्यूज के लिए, आपको करना है सब्सक्राइब हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। क्या है हम तुम्हारे, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। क्या है? मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, मैंने पास बताया कहीं प्यार न है। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। निर्देशक ने क्यों धन्यवाद किया निक पावल का? उन्होंने निर्देशक का कौन सा सपना किया पूरा? निर्देशक ने फिल्म के बारे में कौन सी बड़ी जानकारी दी? फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चित सीन से जुड़े हैं ये बात। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है फिल्म का काम, सेट से वायरल हो रही है तस्वीर, क्या है उनसे खास? फिल्म राधे श्याम से जुड़े हर नए अपडेट के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। इटली से लेकर हैदराबाद तक आखिरकार फिल्म राधे श्याम का सफर खत्म होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ आखिरी कुछ सीन की शूटिंग की जा रही है। कुछ ही समय पहले फिल्म में वाटर एक्शन सीक्वेंस का शूट किया गया और इसी वजह से फिल्म चर्चा में थी।
इस फिल्म को चर्चा में लाने के लिए फिल्म मेकर्स और उनकी टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बस एक जानकारी और अभिनेता प्रभास की सेट से एक तस्वीर काफी होती थी। लोगों को इस फिल्म की तरफ आकर्षित करने के लिए, और ऐसा हुआ भी, फिल्म के सेट से अभिनेता की एक तस्वीर पोस्ट की गई और आते ही तो वायरल हर जगह वायरल हो गई। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पोस्ट में एक बन गई थी। और आइए आपको बताते हैं क्या है उनकी इस तस्वीर की खास बातें। ये तस्वीर फिल्म के शूट के बीच की है, जब अभिनेता जॉर्जियो में शूट कर रहे थे। ये तस्वीर में प्रभास काली जैकेट में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में निर्देशक प्रतिष्ठा सहगल से बात करते नजर आ रहे हैं। उनकी कई और तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें से वो अपने फैंस को हाथ दिखाते नजर आते हैं। हैदराबाद में फिल्म में एक महीने में स्केड्यूल के बाद अब जाकर कहीं फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली गई। अब जब सेट से अभिनेता की तस्वीर वायरल हुई तो फैंस को और ज्यादा फिल्म के लिए उत्साहित हो रहे हैं। फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और अब बस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। जिसके बाद अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यह फिल्म थिएटर में देखने को मिल सकती है। अभी हाल ही में फिल्म से निर्देशक ने फिल्म से जुड़ी एक नई जानकारी दी है, जो राधे श्याम के सबसे बड़े और चर्चित एक्शन सीन से जुड़ी है। आइए बताते हैं क्या कहा निर्देशक ने। उन्होंने बताया कि एक एक्शन सीन कितना मुश्किल था। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के एक्शन डायरेक्टर के योगदान के लिए भी धन्यवाद किया। आपको बता दें कि निर्देशक ने निक पावेल को धन्यवाद किया, कहा कि उनकी वजह से उनका सपना पूरा हो गया। इस मुश्किल एक्शन सीन को हजार लोगों ने मिलकर सफल बनाया है और इस सफल के सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला सीक्वेंस था। इस बार हजार लोगों ने पूरे 100 दिन तक मेहनत की और निर्देशक जी 2 साल पुराने सपने को पूरा किया। उन्होंने पूरी टीम को इस एडवेंचर का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद किया। अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने जैसे इटली का अपना सीक्वेंस जल्दी जल्दी शूट किया था और पूरी टीम से पहले भारत लौट आई थी, अभी भी वो उसी तरह पूरी मेहनत से अपने फिल्म का आखिरी हिस्से को शूट खत्म करने लगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस मेहनत को अंत से पहले ही अभिनेत्री अपना काम खत्म कर लेंगी। उसके फिलहाल उन्होंने फिल्म प्रोजेक्ट की कमी नहीं और वो बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इससे पहले जब वो बॉलीवुड में आई थी तो उनका अनुभव कुछ खास नहीं रहा था। अब जब दोबारा आई हैं तो वह मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म का हिस्सा थी, जिसमें वो सही तरीके से दिख नहीं पाई थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी वापसी के लिए बॉलीवुड में छाने की तैयारी कर ली है। साथ ही वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर भी कब्जा जमाने की प्लानिंग कर चुकी है। उनकी आने वाली फिल्म बाहुबली प्रभास के साथ है और इस फिल्म को लेकर अभिनेत्री भी काफी चर्चा में है। अब देखते हैं इस फिल्म में उनके फैंस को कितना प्यार मिलता है। फिलहाल उनको अभिनेत्री रश्मिका मंदना से तुलना किया जा रहा है और उस जगह भी सबसे ऊपर रहने के लिए पूजा हेगड़े पूरे जी जान लगाई हुई है। आपको क्या लगता है, क्या लोग उनके फिल्म राधे श्याम में उतना प्यार देंगे जितना की उम्मीद है, या उससे कम? तो ये फैंस का ही फैसला होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। क्या है? मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। प्रभास की राधे श्याम की मोशन पोस्टर को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है? आखिर देवदास और पारो की प्रेम कहानी इतनी फेमस क्यों हुई, जो आज तक भी सबको लुभाती है और सभी प्रेमी खुद को इस जोड़े से जोड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। राधे श्याम फिल्म हाल ही में जो मोशन पोस्टर आया है उसने तहलका मचा दिया है। इसकी शुरुआत एक ट्रेन में बैठे रोमियो जूलियट और सलीम अनारकली जैसे प्रसिद्ध स्टार प्रेमियों की झलक दिखती है। एनिमेशन दृश्यों के बाद वीडियो में पूजा हेगड़े और प्रभास को ट्रेन में रोमांस करते हुए दिखाया गया है। राधे श्याम यूरोप में एक पीरियड रोमांस सेट है, जो कि CGI के माध्यम से किया गया है। मोशन पोस्टर बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, इसीलिए बहुत ज़्यादा तारीफें लूट रहा है। पोस्टर में फिल्म से देवदास और पारो
हीर रांझा जैसे कई प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानियों के माध्यम से ट्रेन की सवारी दिखाई गई है। फिल्म में विक्रमादित्य के चरित्र को दिखाएंगे प्रभास, यानी कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो विक्रमादित्य नाम का कैरेक्टर है, और एक ही नस में उसके प्रेमी प्रेरणा को दिखाया गया है, यानी कि पूजा हेगड़े का नाम प्रेरणा होने वाला है। प्रभास ने विक्रमादित्य की भूमिका निभाई है, पूजा हेगड़े प्रेरणा बनने वाली है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग इटली में हो रही है और जल्द से जल्द ये कोशिश कर रहे हैं कि रैप अप हो जाए ये फिल्म। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में फिल्म की टीम ने प्रभास का एक पोस्टर जारी किया और उनके नाम का भी खुलासा किया, और साथ ही वो विंटेज कारों के साथ नजर आ रहे थे और नंबर प्लेट में लिखा गया था उनका नाम। दोस्तों इसके अलावा लव स्टोरी तो ये है ही महाकाव्यात्मक, मतलब बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अगर आप लव स्टोरीज के दीवाने हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। और देवदास और पारो की कहानी की अगर हम बात करें, जो कि फिल्म के मोशन पोस्टर में भी दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा लुभाती है इन दोनों की कहानी। और इसे शरदचंद चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था ये उपन्यास। देवदास प्रेम कहानी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये कहानी ब्रिटिश भारत की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी, फिर भी पाठकों के बीच कहानी अभी भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसे कई बार फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। शाहरुख और ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित की फिल्म देवदास वाली फिल्म में दिखाया गया है। बड़ा मजा आता है, इस फिल्म को कितनी बार देखे कम लगता है। देवदास काल्पनिक नाम था, लेकिन देवदास और पार्वती की जो प्रेम कहानी थी, प्रेम प्रसंग था, वो कभी भी असत्य नहीं लगता, ऐसा लगता है सब कुछ सच है। वही आपको बता दें, देवदास और पार्वती बचपन के दोस्त है और वो प्रेमी थे। जैसे जैसे वो जवान होते गए उनका प्यार भी और ज्यादा मजबूत होता गया। जब देवदास और पार्वती के बीच गठबंधन का समय आया तो देवदास के परिवार ने नकार दिया, जिसके कारण दोनों प्रेमियों का जीवन तबाह होके रह गया। पार्वती का विवाह उससे ज्यादा उम्र के इंसान से हो गया, जबकि देवदास पीने लगा। उसको पीने में ही शांति मिलती थी, शराबी हो चुका था वो अपनी पारो के प्यार में। अपने आखिरी दिनों के दौरान देवदास पार्वती से मिलना चाहता था, लेकिन पार्वती ने मुलाकात से इनकार कर दिया। देवदास की अपने टूटे दिल के साथ ही मृत्यु हो गई। देवदास और पार्वती की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि प्रेमी अभी भी देवदास और पार्वती के प्रेम को खुद से जोड़ते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसे ही प्रेमी हैं देव और पारो जैसे, और किस लव स्टोरी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जरूर बताइएगा। राधे श्याम का कितना इंतजार है ये भी लिखिए, और इसी तरह की दूसरी कहानियों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। फिल्म राधे श्याम की क्या है खास बातें। भारतीय इतिहास की वो कौन कौन सी प्रसिद्ध प्रेम कहानियां रही हैं जो अमर हो गई, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। प्रभास की राधे श्याम आने वाली है, जिसका हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये मोशन पोस्टर है। प्यार की कहानियां दिख रही हैं, अलग अलग एरा की कहानियां दिख रही हैं जो दिल छूने वाली हैं। प्रभास की जो ये फिल्म है उसमें पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। पूजा हेगड़े का नाम इसमें प्रेरणा होने वाला है, और प्रभास का नाम विक्रमादित्य। मतलब क्या होने वाली है फिल्म की कहानी, ये अभी से बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है सभी को। तो चलिए इसी में हम आपको सुनाने वाले हैं उन प्रेम कहानियों को जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और हर कोई
चाहता है कि कपल हो तो ऐसा। तो इस लिस्ट में पहला नाम है पृथ्वीराज और रानी सहयोगिता चौहान की कहानी। पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन चौहान की प्रेम कहानी भी बेहद निराली है। पृथ्वीराज को अपने दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो गया। जब ये खबर जयचंद को लगी तो उन्होंने इतने गुस्से में संयुक्ता का स्वयंवर रचा दिया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के दरबार के बाहर एक पुतला बनवाया। इस स्वयंवर में कई राजकुमार आए, लेकिन संयोगिता को भी पृथ्वीराज पसंद थे और उन्होंने पुतले को ही माला चढ़ा दी। उसी पुतले के पीछे पृथ्वीराज छुपे हुए थे। भरे दरबार से सबके सामने वो संयोगिता को लेकर भाग गए और विवाह कर लिया। इसके बाद नंबर आता है बाज बहादुर और रूपमती की कहानी। इनकी प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने शिकार के दौरान रूपमती को देखा और उनको दिल दे बैठे। एक सुल्तान ने एक मामूली सी लड़की को देखा और किसी की परवाह किए बगैर उनको बेगम बना दिया। घर वालों ने भी गैर मुस्लिम रूपमती को नहीं स्वीकारा, लेकिन बाज बहादुर ने किसी की परवाह किए बगैर उनसे मोहब्बत की और अपनी मोहब्बत को मंजिल तक भी ले गए। इसके बाद नंबर आता है बाजीराव मस्तानी का। ये दो नाम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि लगता है कि एक ही नाम है। इनकी प्रेम कहानी पर तो फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें दीपिका और रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा नजर आए थे। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया गया था इनकी लव स्टोरी का। मराठा पेशवा बाजीराव की दूसरी मुस्लिम पत्नी का नाम था मस्तानी। दोनों की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोग नहीं भूल पाए हैं। हालांकि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बाजीराव और मस्तानी को कई विवादों से घिरना पड़ा। बाजीराव मस्तानी से इस कदर मोहब्बत करते थे और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में रमे हुए थे कि जब बाजीराव की मौत हुई तो उसी वक्त उनकी चिता के साथ मस्तानी भी सती हो गई थी। इसके बाद नंबर आता है बिम्बिसार और अम्रपाली की कहानी। एक वैश्या से विवाह और वो भी एक राजा, ये कोई आम बात नहीं है। विरोध की पूरी नहर का सामना करना पड़ा था। मगध के राजा बिम्बिसार युद्ध के दौरान घायल हो गए थे और वेश बदल कर वैशाली राज्य में पहुंचे। वहां नर्तकी अम्रपाली ने उन्हें आम सैनिक समझकर उनकी सेवा की। बाद में बिम्बिसार ने अम्रपाली से विवाह कर दिया। बताया जाता है कि बिम्बिसार की 400 रानियां थी और अम्रपाली उनमें से सबसे ज्यादा खास थी। इसके बाद नंबर आता है सलीम और अनारकली का। इनकी प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता। सलीम अनारकली की कहानी ऐसी दर्द भरी दास्ता है जिसका अंजाम बेहद खतरनाक निकला। अनारकली को पाने के लिए शहजादे सलीम ने अकबर से युद्ध तक किया, जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ गया। अकबर ने यह शर्त रखी, या तो सलीम अनारकली को उन्हें सौंप दे या फिर खुद मौत को गले लगा ले। सलीम ने अनारकली से दूर होने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा, लेकिन आखिरी समय में अनारकली ने आकर सलीम की जान बचा दी और खुद को बादशाह अकबर के हवाले कर दिया। अकबर ने उसे दीवार में चुनवा दिया। कितनी दर्द भरी दास्ता थी। इसके बाद नंबर आता है चंद्रगुप्त और हेलेना का। चंद्रगुप्त के शौर्य के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त और हेलेना की प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मगध के राजा चंद्रगुप्त ग्रीस की हेलेना को देखकर इतने दीवाने हो गए कि उनको पाने के लिए उनके पिता सेल्यूकस से युद्ध करने तक तैयार हो गए। युद्ध में सेल्यूकस को हराने के बाद उन्होंने हेलेना को शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद औरंगजेब और जैनाबाई की कहानी है। औरंगजेब को दुनिया सिर्फ एक क्रूर शासक के रूप में जानती है, लेकिन ऐसे क्रूर शासक के सीने में भी दिल था। कहते हैं कि धर्माध मुगल शासक औरंगजेब में एक महिला की मोहब्बत में दीवाना था। इस महिला का नाम जैनाबाई था, जो नाचने गाने का काम करती थी, लेकिन अपनी छवि और जमाने के डर से औरंगजेब ने कभी इसे सामने नहीं आने दिया। फिर आता है सोनी और महिवाल का प्यार। आज भी जब कोई मोहब्बत की बातें करता है तो सोनी और महिवाल का जिक्र जरूर होता है। पंजाब में सोनी महिवाल की प्रेम कहानी आज भी लोगों ने नहीं भूली है। सोनी के पिता ने जब उसकी जबरन शादी कर दी तो दीवाना महिवाल उसके गांव जा पहुंचा। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। बाद में दोनों की एक साथ मौत हो गई और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। और हीर रांझा, इन्हें कौन भूल सकता है। फिल्मी गानों से लेकर कहानियों तक मोहब्बत के नगमों में आज भी हीर रांझा का नाम बड़ी शान से
लिया जाता है, क्योंकि उनकी प्रेम कहानी ही ऐसी थी। इस प्रेम कथा की नायिका हीर एक दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो खूबसूरत थी, हीर से बेहद प्यार करती थी। हीर के घर वालों को ये रास नहीं आया और उन्होंने उसकी शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। रांझा हीर के प्यार में फकीर बनकर उसके गांव पहुंचा। इस प्रेम कहानी का अंत भी मौत हुआ। इसके बाद लैला मजनू प्रेमियों के इतिहास गाथा में एक ऐसी कहानी के पात्र बन चुके हैं जो आज भी प्यार करने वालों के आदर्श और पवित्र प्रेम के पराया के रूप में स्थापित है। लेकिन कहते हैं ना, जो मिल जाए वो मोहब्बत कहाँ। लैला और मजनू की दर्द भरी प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता। इनकी जुदाई ही इनकी मौत का कारण बन गई। तो ये थी वो सभी प्रेम कहानियां जो हम कभी नहीं भुला सकते, और जब भी एग्जाम्पल दिया जाता है प्यार की दुनिया के परिंदों का तो इन्हीं का नाम लिया जाता है। और अब इस कहानी में राधे श्याम का नाम भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लव स्टोरी इतनी ख़तरनाक होने वाली है, महाकाव्यात्मक होने वाली है, और पूजा हेगड़े और प्रभास इसका चित्रण करने वाले हैं। आपको राधे श्याम में इन लव स्टोरी को देखने का कितना मन है, कितना वेट हो रहा है राधे श्याम का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे कहानियों के लिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राम स्टूडियोज को। क्या लगते क्या है? प्यार न हो रहा है। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं। क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। प्रभास की राधे श्याम अभी से सुपरहिट क्यों मानी जा रही है? प्यार में पड़ने के बाद लड़कियों की आदतें क्यों बदल जाती हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जब से घोषणा हुई है तब से ये चर्चा बनी है कि राधे श्याम भी बाहुबली की तरह सुपरहिट फिल्म होगी। राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वे दोनों प्यार की परिभाषा को नए सिरे से प्रभाषित करते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार जरूर हुआ होगा। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतों में कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ आदतें प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अक्सर शादी के बाद लड़का और लड़की की जिंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल तो कुछ लोग सूझबूझ वाले हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियां नई नई प्यार में पड़ी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या तो नींद की होती है। इस दौरान लड़कियां जल्दी बिस्तर पर चली जाती हैं पर जल्दी सोती नहीं, क्योंकि उनको जल्दी नींद नहीं आती है। वो अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती है। लड़कियां अपनी खूबसूरती पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लड़कियां अपना मोबाइल लॉक करके रखती और एक मिनट के लिए भी मोबाइल को अपने से अलग नहीं करती। वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा कर रखती है क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनका मोबाइल न चेक कर ले। जब वो किसी के प्यार में होती है तो वो अपने दोस्तों से दूरियां बना ले। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि उसके दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। जब लड़की प्यार में नई नई पड़ती है तो वो अक्सर अपने आप में ही मस्त रहती है। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब लड़कों को नया नया प्यार होता है तो उनके अंदर क्या बदलाव होते हैं।
लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गोश्रण नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। प्रभास की राधे श्याम की मोशन पोस्टर को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है? आखिर देवदास और पारो की प्रेम कहानी इतनी फेमस क्यों हुई जो आज तक भी सबको लुभाती है और सभी प्रेमी खुद को इस जोड़े से जोड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। राधे श्याम फिल्म हाल ही में जो मोशन पोस्टर आया है उसने तहलका मचा दिया है। इसकी शुरुआत एक ट्रेन में बैठे रोमियो जूलियट और सलीम अनारकली जैसे प्रसिद्ध स्टार प्रेमियों की झलक दिखती है। एनिमेशन दृश्यों के बाद वीडियो में पूजा हेगड़े और प्रभास को ट्रेन में रोमांस करते हुए दिखाया गया है। राधे श्याम यूरोप में एक पीरियड रोमांस सेट है जो कि सीजीआई के माध्यम से किया गया है। मोशन पोस्टर बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, इसीलिए बहुत ज़्यादा तारीफें लूट रहा है। पोस्टर में फिल्म से देवदास और पारो, हीर रांझा जैसे कई प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानियों के माध्यम से ट्रेन की सवारी दिखाई गई है। फिल्म में विक्रमादित्य के चरित्र को दिखाएंगे। प्रभास यानी कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो विक्रमादित्य नाम का कैरेक्टर है और एक ही नस में उसके प्रेमी प्रेरणा को दिखाया गया है, यानी कि पूजा हेगड़े का नाम प्रेरणा होने वाला है। प्रभास ने विक्रमादित्य की भूमिका निभाई है, पूजा हेगड़े प्रेरणा बनने वाली है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग इटली में हो रही है और जल्द से जल्द ये कोशिश कर रहे हैं कि रैप अप हो जाए ये फिल्म। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में फिल्म की टीम ने प्रभास का एक पोस्टर जारी किया और उनके नाम का भी खुलासा किया और साथ ही वो विंटेज कारों के साथ नजर आ रहे थे और नंबर प्लेट में लिखा गया था उनका नाम। दोस्तों इसके अलावा लव स्टोरी तो ये है ही महाकाव्यात्मक, मतलब बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। अगर आप लव स्टोरीज के दीवाने हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। और देवदास और पारो की कहानी की अगर हम बात करें जो कि फिल्म के मोशन पोस्टर में भी दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा लुभाती है इन दोनों की कहानी। और इसे शरद चंद चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था ये उपन्यास। देवदास प्रेम कहानी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये कहानी ब्रिटिश भारत की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी, फिर भी पाठकों के बीच कहानी अभी भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसे कई बार फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। शाहरुख और ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित की फिल्म देवदास वाली फिल्म में दिखाया गया है। बड़ा मजा आता है, इस फिल्म को कितनी बार देखे कम लगता है। देवदास काल्पनिक नाम था लेकिन देवदास और पार्वती की जो प्रेम कहानी थी, प्रेम प्रसंग था, वो कभी भी असत्य नहीं लगता, ऐसा लगता है सब कुछ सच है। वही आपको बता दें, देवदास और पार्वती बचपन के दोस्त हैं और वो प्रेमी थे। जैसे जैसे वो जवान होते गए उनका प्यार भी और ज्यादा मजबूत होता गया। जब देवदास और पार्वती के बीच गठबंधन का समय आया तो देवदास के परिवार ने नकार दिया, जिसके कारण दोनों प्रेमियों का जीवन तबाह होकर रह गया। पार्वती का विवाह उससे ज्यादा उम्र के इंसान से हो गया जबकि देवदास पीने लगा। उसको पीने में ही शांति मिलती थी, शराबी हो चुका था वो अपनी पारो के प्यार में। अपने आखिरी दिनों के दौरान देवदास पार्वती से मिलना चाहता था लेकिन पार्वती ने मुलाकात से इनकार कर दिया। देवदास की अपने टूटे दिल के साथ ही मृत्यु हो गई। देवदास और पार्वती की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि प्रेमी अभी भी देवदास और पार्वती के प्रेम को खुद से जोड़ते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसे ही प्रेमी हैं देव और पारो जैसे, और किस लव स्टोरी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जरूर बताइएगा। राधे श्याम का कितना इंतजार है ये भी लिखिए और इसी तरह की दूसरी कहानियों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। राधे श्याम अभी से सुपरहिट क्यों मानी जा रही है?
प्यार में पढ़ने के बाद लड़कियों की आदतें क्यों बदल जाती हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड रात के फिल्मी गलियारे में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम की जब से घोषणा हुई है तब से ये चर्चा बनी है कि राधे श्याम भी बाहुबली की तरह सुपरहिट फिल्म होगी। राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है और ये बहुत लंबे समय के बाद है कि प्रभास इस जॉनर की फिल्म में दिखाई देने जा रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वे दोनों प्यार की परिभाषा को नए सिरे से प्रभाषित करते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी किसी ना किसी से तो प्यार जरूर हुआ होगा। आपको पता ही होगा कि प्यार होने के बाद आपकी आदतों में कई तरह के बदलाव भी होते हैं। ये अक्सर लड़कों के साथ होता है। क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की भी कुछ आदतें प्यार में पड़ने के बाद बदल जाती हैं? अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अक्सर शादी के बाद लड़का और लड़की की जिंदगी, बोलचाल का ढंग आदि बदल जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद भी लड़कियों की कई आदतें बदल जाती हैं। कुछ लोग इमोशनल तो कुछ लोग सूझबूझ वाले हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियां नई नई प्यार में पड़ी होती हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या तो नींद की होती है। इस दौरान लड़कियां जल्दी बिस्तर पर चली जाती हैं, पर जल्दी सोती नहीं है, क्योंकि उनको जल्दी नींद नहीं आती है। वो अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में सोचती रहती है। लड़कियां अपनी खूबसूरती पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती हैं। लड़कियां प्यार में पड़ने के बाद ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लड़कियां अपना मोबाइल लॉक करके रखती और एक मिनट के लिए भी मोबाइल को अपने से अलग नहीं करती। वो अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा कर रखती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनका मोबाइल न चेक कर ले। जब वो किसी के प्यार में होती हैं तो वो अपने दोस्तों से दूरियां बना ले। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि उसके दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। जब लड़की प्यार में नई नई पड़ती है तो वो अक्सर अपने आप में ही मस्त रहती है। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जब लड़कों को नया नया प्यार होता है तो उनके अंदर क्या बदलाव होते हैं। क्या लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। वो एक रानी इतने पास बता रहा, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूं। इस एनिमेटेड पोस्टर में ट्रेन की जर्नी से पूरी स्टोरी की झलक दिखाई गई है। इफेक्ट्स भी शानदार है। प्रभास ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राधे श्याम की रोमांटिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। 1 मिनट 16 सेकंड का टीजर देखकर तो यही लग रहा है कि फिल्म की कहानी ट्रेन जर्नी के इर्द गिर्द घूमती हुई होगी। फैंस को प्रभास का लुक और टीजर खूब पसंद आ रहा। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। राधे श्याम की शूटिंग इस साल जनवरी में शुरू हो चुकी, मगर कोरोना ने प्लान चौपट कर दिया। खबर है कि इस फिल्म में प्रभास हस्तरेखा विशेषज्ञ की भूमिका में नजर आएंगे। पूजा हेगड़े म्यूजिक टीचर का रोल निभाएंगी। पहली बार दोनों सितारे एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। राधे श्याम मूवी में भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के टीजर को देख करके लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म सुपरहिट हुई थी, उसी प्रकार से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। लेकिन ये बात तो रिलीज के बाद ही सिद्ध होगी। वैसे प्रभास के पास इस समय काफी प्रोजेक्ट है। उनकी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष भी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि वे फिल्म में
राम की भूमिका निभाएंगे, जिसमें राम का किरदार प्रभास निभाएंगे। फिल्म में लंकेश की भूमिका में सैफ अली खान होंगे। और इसी फिल्म में अजय देवगन शिव की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये प्रभास की फिल्म क्या बाहुबली की तरह बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस करेगी, और आपको प्रभास की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। क्या है हम तुम्हारे? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम की क्या है खास बातें? भारतीय इतिहास की वो कौन कौन सी प्रसिद्ध प्रेम कहानियां रही हैं जो अमर हो गई और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। प्रभास की राधे श्याम आने वाली है, जिसका हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मोशन पोस्टर है। प्यार की कहानियां दिख रही हैं, अलग अलग एरा की कहानियां दिख रही हैं जो दिल छूने वाली हैं। प्रभास की जो ये फिल्म है उसमें पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। पूजा हेगड़े का नाम इसमें प्रेरणा होने वाला है और प्रभास का नाम विक्रमादित्य। मतलब क्या होने वाली है फिल्म की कहानी, ये अभी से बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है सभी को। तो चलिए, इसी में हम आपको सुनाने वाले हैं उन प्रेम कहानियों को जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और हर कोई चाहता है कि कपल हो तो ऐसा। पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन चौहान की प्रेम कहानी भी बेहद निराली है। पृथ्वीराज को अपने दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो गया। जब ये खबर जयचंद को लगी तो उन्होंने इतने गुस्से में संयुक्ता का स्वयंवर रचा दिया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के दरबार के बाहर एक पुतला बनवाया। इस स्वयंवर में कई राजकुमार आए, लेकिन संयोगिता को भी पृथ्वीराज पसंद थे और उन्होंने पुतले को ही माला चढ़ा दी। उसी पुतले के पीछे पृथ्वीराज छुपे हुए थे। भरे दरबार से सबके सामने वो संयोगिता को लेकर भाग गए और विवाह कर लिया। इसके बाद नंबर आता है बाज बहादुर और रूपमती की कहानी। इनकी प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने शिकार के दौरान रूपमती को देखा और उनको दिल दे बैठे। एक सुल्तान ने एक मामूली सी लड़की को देखा और किसी की परवाह किए बगैर उनको बेगम बना दिया। घर वालों ने भी गैर मुस्लिम रूपमती को नहीं स्वीकारा, लेकिन बाज बहादुर ने किसी की परवाह किए बगैर उनसे मोहब्बत की और अपनी मोहब्बत को मंजिल तक भी ले गए। प्यार की दुनिया के परिंदों का तो इन्हीं का नाम लिया जाता है और अब इस कहानी में राधे श्याम का नाम भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लव स्टोरी इतनी खतरनाक होने वाली है, महाकाव्यात्मक होने वाली है और पूजा हेगड़े और प्रभास इसका चित्रण करने वाले हैं। आपको राधे श्याम में इन लव स्टोरी को देखने का कितना मन है, कितना वेट हो रहा है राधे श्याम का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे कहानियों के लिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।
लगते क्या है हम तुम्हारे? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता दो कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूं। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हो। I'm sorry, I'm not going to go.